बेटा अब ये गणपति जी की मूर्ति तुम्हारी हुई। गणपति अप्पा मोरया। अरे बचाओ रे। मोंटू ये मेरे गणपति पापा है। ये तेरे गणपति जी नहीं है, ये मेरे गणपति जी है, समझे? मोंटू ये गणपति पापा मैंने अंकल से खुद कहकर बनवाए हैं। अच्छा, पर गणपति पापा पे तेरा नाम नहीं लिखा है ना? और वैसे भी ये गणपति पापा की मूर्ति को मैंने अंकल से पैसे देकर खरीद ली है। बचाओ रे। मोंटू तू अपने से छोड़ दे वरना पीट दूंगी। और हाँ, ये गणपति जी को खुद मानव ने यहाँ बैठकर पूरे प्यार और श्रद्धा से ये अंकल से बनवाई है ना अंकल? गणपति बप्पा ये मूर्ति इस बच्चे ने सचमुच बहुत प्यार से बनवाई है मुझसे, और मैंने आपको पैसे देकर खरीद लिए। ये मोंटू पापा, आप ही कुछ कीजिए, मैं मोंटू को अपने गणपति पापा की मूर्ति नहीं ले जाने दूंगा। हाँ हाँ बेटा, मैं कुछ करता हूँ। भाई साहब देखिए, हम मूर्ति लेने आने ही वाले थे और अब तुम आ भी गए हैं, तो आप ये मूर्ति मोंटू को क्यों दे रहे हैं? वो आपको आने में देर हो गई और मुझे भी दुकान बंद करके जाना था। मैंने कहा ही था इससे कि 10 बजे से पहले आ जाए। लेकिन अंकल अब तो हम लोग आ गए हैं ना? हाँ, अब ये लोग आ गए हैं, अब गणपति पापा इन्हें दे दे। अरे ऐसा कैसे दे दे? इतनी मेहनत की है हमने इस मूर्ति के लिए। हमने मतलब कि गणपति बप्पा की मूर्ति हमें भी हमारे घर लेके जानी है। बचाओ रे। अगर ऐसा है ना तो तू गणपति बप्पा को बोल देना कि उनके इसी सेम टू सेम मूर्ति तुझे दे दे। और हाँ, तुझे इतना ही प्यार है ना, तो गणपति बप्पा को बोल कि वो तेरे साथ आ जाए। मोंटू मैं जानती हूँ कि तू सब कुछ जानबूझ कर कर रहा है। तो जा गणपति बप्पा से मेरी शिकायत कर दे। ए महर, गणपति बप्पा को तुम लोग के साथ आना होता ना, वो तुम्हें यहाँ टाइम पर पहुंचा देते। हाँ, और इसीलिए तो बॉस ने हमें भेजा। क्या? मतलब गणपति बप्पा ने हमें भेजा? लेकिन अंकल हम लोग तो टाइम पे आ गए ना। हाँ, और अभी 10:02 बाकी है। देखिए तेरी घड़ी पीछे, देख मेरी घड़ी में 10:10। पैसे मैंने दिए, मेरे कहने पे बजाओगे। और हाँ, नाच क्यों रहे थे? मोंटू, अभी इसमें 10 नहीं बजे। क्या? कुछ भी मत बोल।
ऐसे कैसे हो सकते है? इसमें 10 बजे थे, 10 बजे थे। ये घड़ी को छोड़ो, ये घड़ी। इसमें 10:05 बजे थे, बजे थे 10:05। अंकल आपने भी तो देखा था ना, इसमें 10:05 बजे थे। हाँ 10:05 तो मैंने भी देखा था थोड़ी देर पहले इस घड़ी में। तो 10 कैसे नहीं बजे? क्योंकि बॉस आपके 12 बजने थे ना। बजाओ रे कोई सैड। ए जब बक 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 जब। मोंटू तुझे तो टाइम भी देखना नहीं आता। हाँ अभी 10 बजने में 2 मिनट बाकी है। ऐसे कैसे हो सकता है, इस घड़ी में 10 बजे थे। लेकिन अब इस घड़ी में 10 नहीं बजे। नहीं इस घड़ी में 10 से ज्यादा होना चाहिए था। हाँ लेकिन अभी बजे तो नहीं है ना। जरूर जरूर आप में से किसी ने इन घड़ियों को पीछे किया है। अरे मगर हम घड़ी में टाइम पीछे कैसे करेंगे? वैसे ही जैसे मैंने घड़ियों को आगे किया था। हाँ? पकड़े गए। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, जा रही है ये मूर्ति हाउस डकली। मोंटू तुझे शर्म नहीं आती? गणपति जी की मूर्ति पाने के लिए भी तूने झूठ का सहारा लिया। मोंटू गणपति बप्पा सिर्फ उसी के घर में जाते हैं जहाँ उन्हें सच्चे मन से और बिना किसी स्वार्थ के ये जाया जाता है। मोंटू गणपति जी हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलने वालों के साथ होते हैं। अगर तुझे भी उनको अपने घर ले जाना है तो उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना सीख। बॉस अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक और रास्ता है जिस पे हम चल सकते हैं। कौन सा? बाहर जाने का रास्ता। हाँ लेकिन उससे पहले गणपति बाप्पा। अरे बजाओ रे। अरे मैं पैसे दूंगा बजाओ। गणपति बापा से कहूंगा तो वो तुम्हें माफ कर दे। और हाँ तुम उसे अपने गणपति बापा समझो। तुम रोज आ सकते हो हमारे घर पे गणपति बापा के दर्शन और आरती करने। कहाँ जा रहे हो? बॉस दर्शन करने। कम से कम प्रसाद का खाना तो मिलेगा। बॉस हमेशा की तरह इस बार भी हार का हार हमारे गले पे चढ़ गए। मुझे क्यों मारा? क्योंकि तू कुछ बोले बिना मानेगा नहीं ना, इसलिए। अरे हाँ बस सब इसी की वजह से तो हुआ है। बस और हाँ इस मानव के बच्चे को मैं गणपति का महोत्सव चैन से मनाने नहीं दूंगा। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मेरी घड़ी और इस घड़ी का टाइम वापिस से ही कैसे हो गया? अरे गिराने से पहले बिछाया तो कीजिए फूलों का बिस्तर। है क्या ये बदतमीजी? मतलब पहले गिराती थी आप मुझे सिर्फ दुखी लोग पर ही, अब गिराना शुरू कर दिया आपने मुझे इस भयानक लोक में भी।
शुक्र मनाओ तुम्हारी इतनी बेवकूफियों के बावजूद मैंने तुम्हें किसी ज्वालामुखी में नहीं गिराया। बड़ी भोली है आप, पूरा मान जाती है मेरे मजाक का। वैसे आए क्यों हम हैं यहाँ इस भयानक लोक में? अरे है कुछ ही दूर यहाँ से परिलोक की सीमा। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि समय हो गया है। सोने का, आक्रमण करने का। आक्रमण? आक्रमण करेगी आप मुझ पर? अरे बेवकूफ, मैं तुम पर आक्रमण क्यों करूंगी? मैं परिलोक पे आक्रमण की बात कर रही हूँ। आक्रमण? जाइए आप, वैसे भी है नहीं मेरी तबीयत ठीक। क्यों जाता मैं सोने भयानक महल में? जाइए आप। तौबा तौबा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं से उन पर वार करूंगी। यह है मेरा हीन चक्र जिसके चलते परियों का शुभ काल विनाश काल में बदल जाएगा। गणपति बाप्पा।
बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बापा सबको स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और सुरक्षा दे। अब तुम्हें कौन बचाएगा परियो? अब ना ही तुम्हारे पास तुम्हारी प्यारी रानी परी और ना ही तुम्हारा जादू। इस बार मेरी बुराई की बर्फीली चादर अच्छाई को अपने अंदर ढक लेगी। अब कोई सच्चाई और अच्छाई का सूरज नहीं उगेगा उसे पिघलाने के लिए। अब अगली विश। अगली विश दादाजी का अटकना बंद हो जाए। हाँ। बंद हो जाए। हाँ? मेरा मतलब है कम हो जाए। दादाजी का अटकना बंद हो जाए। हाँ, हो गया। अब अगली विश पापा का प्रमोशन हो जाए। ये पापा पापा का हो गया। अगली विश मैं बोलता हूँ। जो मेरा चश्मा है ना, जो लिखते वक्त बहुत परेशान करता है, इसलिए मेरा चश्मा हट जाए। ये मेरा चश्मा हो गया। मानव, ये चश्मे का दोष नहीं है बल्कि तेरा दोष है। कब से देख रही हूँ कि तू टहल टहल के लिख रहा है। देख, हम गणपति जी से अपने लिए जो जो विश मांग रहे हैं ना, एकदम साफ साफ लिख, ताकि गणपति जी को परेशानी ना हो पढ़ने में। क्या हुआ? मैं गणपति जी है। शर्मा मैम ने कि साफ हैंडराइटिंग्स के 5 मार्क्स एक्स्ट्रा देंगे। हाँ, लेकिन गणेश जी तो हमें 2 विशेज एक्स्ट्रा दे सकते है ना। वैसे भी हमारी विश की लिस्ट कितनी बड़ी है, इसलिए मिस्टर मानव आप यहाँ शांति से बैठिए और ये विश लिस्ट साफ लिखिए। हाँ, तो बता अगली विश क्या लिखूं? हाँ, तो ये लिख कि रॉकी चाचू के साथ सब बच्चे गार्डन में खेले। हाँ, हो गया। और हाँ, तो ये लिख कि दादी सही इंग्लिश बोलने लगे। फिर मैं हमारा टाइम पास बंद हो जाएगा। मानव, अच्छा ठीक है, लिखता हूँ। लिख दिया। मानव, तू एक काम कर, वो जो सेकंड विश लिखी थी ना हमने कि बल्लू को हमारी तरह अच्छे मार्क्स मिले एग्जाम में, वो तो फर्स्ट कर ले। हाँ, ये पर मैं फर्स्ट विश में तो हमने अपनी पूरी फैमिली के साथ एक हॉलीडे पे जाना लिखा है। सोच रे मानव, बल्लू को तो अच्छा लगेगा ना, तो चलेगा। चल मानव, जल्दी से ये लिस्ट अपने साथ लेकर आ और मैं मोदक ले लेती हूँ गणपति जी के लिए। ओके। लेकिन महन, हमने जो इस लिस्ट में अच्छे से लिखी है वो क्या पूरी हो जाएगी? जरूर पूरी होंगी मानव, गणेश जी तो है इच्छा पूर्ति भगवान। और हाँ, हमारे टेस्टी टेस्टी मोदक खाने के बाद वो तो सारे विशेष में यस 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 कर देंगे। हाँ, चल चल। गणपति बाप्पा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना अच्छा घर, परिवार और नौकरी दी। गणेश जी, प्लीज मेरे परिवार को इसी तरह हमेशा खुश रखना।
और मेरे बच्चों की जो भी विश हो, जो भी इच्छाएं हो, उसे पूरी करना।